यूपी के रामपुर में किसी और की डिग्री लगाकर कई बड़े हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग की छत्र छाया में चल रहे हैं, जिसकी शिकायतें भी लगातार हो रही हैं। पर इन्हें बंद करने वाला कोई नहीं है, मोटी रकम लेकर सीधा ऑपरेशन कर रहे हैं। इन हॉस्पिटल का संचालन अनट्रेन्ड फौजी डॉक्टर कर रहे हैं। यह लोग अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे जनपद में रहने वाले डॉक्टर के कागज लगा कर खुद काम कर रहे हैं और मोटा पैसा कमा रहे हैं। साथ ही मरीज की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आज रामपुर डीएम के आदेश पर ACMO डॉक्टर मनीष कुमार शुक्ला अपने दलबल के साथ मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने छापामार कार्यवाही की। साथ ही उन्हें मौके पर कई बड़ी खामियां मिली और मौके पर चार मरीज ऑपरेशन हुए मिले, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मीडिया को आता देख जनाब ने कहा कि हमने इसके कागजात के लिए चार मरीज कॉर्पोरेशन मिले हैं और डॉक्टर कोई नहीं मिला है, कार्यवाही की जाएगी। ये बताइए, आपके यहाँ जो है आज ACMO ने जो है छापेमारी की है, क्या है पूरी बात? देखिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ACMO को चेक करने आना था, उन्होंने आकर के चेक किया, उन्होंने फाइल के बारे में पूछा, ऑपरेशन के बारे में पूछा, पेशेंट्स के बारे में पूछा। जो चीज़ पूछी गई वो सारी चीज़ उन्हें बताई गई है। जो फाइल्स उन्होंने ली हैं उन्हें दे दी गई हैं। और जो सर्जन राजेश कुमार यादव जी हैं, सारे केस उन्होंने ही किए हैं। एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टर सोफिया ने किए हैं, वो सब चीज़ उन्हें अवगत करा दिया गया है। बस कुछ नहीं, एनेस्थीसिया वाले और सर्जन मिले डॉक्टर यहाँ, उन्हें ACMO को मिले उन्हें यहाँ? नहीं, वो ऑन कॉल रहते हैं ना, एनेस्थीसिया और जो डॉक्टर हैं उनके पेपर लगे हुए ACMO ऑफिस में और वो ऑन कॉल है। कहाँ के हैं? दोनों रामपुर में ही रहते हैं। दोनों रामपुर में जी। आपकी क्या डिग्री है? मैं BUMS MD हूँ। BU मैम MSMD। अच्छा, उसका होता है यहाँ? वही संचालक हूँ उसका। इसके संचालक आप हैं? इसके अलावा इसका संचालक हूँ, RMX हॉस्पिटल का मैं संचालक हूँ। मैं डॉक्टर आरिफ हूँ। इसमें और भी कोई शेयर है किसी का? आपका खुद का स्वयं? मैं हूँ, और भी हैं मेरे जो दोस्त हैं या कोई डॉक्टर, लेकिन ऑनर तो मैं ही हूँ। जी आरिफ जी, जैसे कि ACMO ने बताया है कि हमें लगातार शिकायत मिल रही थी, अब इस वजह से आए हैं, तो क्या क्या बात? हमारे यहाँ की आज तक कोई शिकायत कभी मिली नहीं। आज तक 2 साल अस्पताल चलते हो गए, आज तक कभी शिकायत किसी अस्पताल वाले को या किसी शहरवासी को नहीं मिली, क्योंकि ये जो ACMO को तो यही कहना है ना, शिकायत आज तक कभी किसी को नहीं मिली है, क्योंकि ये अस्पताल जो है वो एक ट्रस्ट के तौर पर चलाया जाता है, सिर्फ जिसमें 50 रुपये की फीस ली जाती है ना। 24 आवर्स में किसी वक्त भी पेशेंट आए, उससे कोई इमरजेंसी चार्ज नहीं लिया जाता है। बेड चार्ज भी है इतना ज़्यादा नहीं लिया जाता, 200-300 रुपये में काम किया जाता है। तो ये तो ट्रस्टी हॉस्पिटल की तरह काम करते हैं, यहाँ लोगों की मदद करने के लिए काम किया जा रहा है, ना कि पैसे लूटने के लिए। ऑपरेशन चार्ज क्या है? ऑपरेशन चार्ज मेरे यहाँ 15,000, 13,000, 14,000 और 10,000 रुपये में किया जाता है। मैं किसी को कोई कमीशन और दलालियाँ नहीं देता हूँ। नॉर्मल डिलीवरी मेरे यहाँ 3,000 से 5,000 के बीच में हुआ करती है। यहाँ पर निरीक्षण दिया गया, यहाँ पर चार मरीज प्रसूत पाई गई, इनका जिन ऑपरेशन से बड़े ऑपरेशन से ऑपरेशन बच्चा पैदा कराया गया है, और एक मरीज 3 महीने की ब्लीडिंग फ्री हो रही है इसको पाई गई। तो नियमानुसार तो अभी साइन राजेश, डॉक्टर राजेश यहाँ पे काम कर सदन है, वो साइन पड़े हुए हैं, एक फाइल का साइन नहीं है। हम लोग फाइल लेके जा रहे हैं, इनको स्टडी करते हैं क्या कमी और पाई जाती है इसमें, उसके बारे में फिर बाद में सूचित किया जाएगा। स्पॉट जो है ऑपरेशन करता, चार मरीज नहीं करते, कोई नहीं पाएगा। ओटी चेक किया है? ओटी है, इंस्ट्रूमेंट है, ओटी में इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये होता है ऑपरेशन। चार मरीज हैं ना ऑपरेशन के, ऑपरेट हुए हैं चार मरीज ऑपरेट हुए हैं। विभाग की कार्रवाई क्या हो रही है? फाइल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर राजेश कुमार यादव हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, यहाँ ऑन कॉल काम करने के लिए। अभी पाए गए यहाँ पर? यहाँ पर वो नहीं थे, ऑन कॉल काम करते हैं वो। ठीक, इनको कागज जो फाइल हमारे पास है अस्पताल में रजिस्टर वाली। अपना पूरा परिचय बताओ। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला, डिप्टी CMO रामपुर। तो देखा आपने, जिस अस्पताल के मौके पर कोई भी डॉक्टर नहीं मिला और ऑपरेशन नहीं हुए, चार मरीज मिले, ऑटी मिली, उसके बाद भी सुचारू रूप से ऐसे अस्पताल लगातार चल रहे हैं, सब साठ गांठ है। जबकि नियम कहता है जो अस्पताल संचालन है वो खुद MBBS डॉक्टर हो, उसकी बिल्डिंग मनकों के हिसाब से बनी हो और उसके पास लाइसेंस खुद का हो, पर इस अस्पताल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनकों पर आधारित हो। फिलहाल देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है इस अस्पताल के खिलाफ, या फिर साठ गांठ छोड़ देगा लोगों को काटने के लिए।